गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपको क्लास 11 विषय रसायन जो पढ़ाए थे उसके आगे बताएंगे आज रासायनिक संयोजन के नियम। ये पहला है टॉपिक रासायनिक संयोजन के नियम कि रासायनिक अभिक्रियाओं की मात्रात्मक मापों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाएँ कुछ नियमों के अनुसार होती हैं। पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाएँ कुछ नियमों के अनुसार होती हैं जिसे रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की मात्रात्मक मापों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ पदार्थों में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ कुछ नियमों के अनुसार होती हैं जिसे हम बोलते हैं रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। उसके बाद है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब उत्पाद का द्रव्यमान और अभिकारक का द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। या इसको बोल सकते हैं द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। अगला टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम स्थिर अनुपात का नियम इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस वैज्ञानिक के अनुसार एक रासायनिक यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व धारा अनुसार एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। मतलब एक रासायनिक यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व धारा अनुसार एक निश्चित अनुपात में जुड़े रहते हैं। उसके बाद है गैसीय आयतन नियम। देखिए इनके नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैसों के आयतनों का आपस में और उनके उत्पादों के आयतनों में के अनुपात का एक सरल पूर्णांक होता है। मतलब अभिकारकों के और उत्पादों के आयतनों के अनुपात में एक सरल पूर्णांक होता है। उसके बाद है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनके नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। उसमें उनमें एक तत्व के विभिन्न भार
जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं। मतलब जब दो तत्व परस्पर संयोग करते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब दूसरे तत्व एक तत्व के विभिन्न भार से दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं और इनमें परस्पर सरल अनुपात होता है। उसके बाद है अवोगाद्रो नियम। अवोगाद्रो अवोगाद्रो नियम देखिए, अवोगाद्रो नियम अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। इनके नियम के अनुसार समान ताप पर सभी गैसों के समान ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। देखिए इसके बाद अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।